हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो HZDTH यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, जो आपके पास कुछ इस तरह से सेट टॉप बॉक्स है और इसके अंदर आप USB और वाईफाई के थ्रू इंटरनेट लगाते हो और आपको लगाना है दोस्तों सिम कार्ड से इंटरनेट, दोस्तों वही जुगाड़ आज इस वीडियो में होने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिम कार्ड से इंटरनेट सेट टॉप बॉक्स में कैसे चलती है दोस्तों चलाते हैं वो जुगाड़ बताने वाला दोस्तों। इस वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो के नीचे अच्छे से कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो दोस्तों। हमारी तरफ से आपको मिल सकता है दोस्तों ये वाला फुल HD एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स। हमारे चैनल पे गिवे चल रहा है दोस्तों, गिवे में पार्टिसिपेट होना चाहते तो जो मैंने जो काम बताया दोस्तों वो करते हो तभी आपको ये सेट बॉक्स फ्री में मिल सकता है ये वाला। दोस्तों, इस सेट बॉक्स के अंदर हम आपको लगाएंगे दोस्तों सिम कार्ड से इंटरनेट कैसे लगाते हैं दोस्तों, वो आपको देखना है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को स्किप करके देखोगे या वीडियो को आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो चलिए दोस्तों आपको लेके चलता हूँ दोस्तों डायरेक्ट TV स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पर हम बताएंगे दोस्तों आपको कि यहाँ पर मैंने इंटरनेट इसका कैसे कनेक्ट किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेरा सेटअप बॉक्स दोस्तों कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे पीछे जो HDMI केबल और ऑडियो वीडियो लीड नहीं लगा दोस्तों, HDMI केबल लगा है और पावर का जो केबल है दोस्तों यहाँ पे लगा दिया है और एंटीना से जो आई तार है दोस्तों यहाँ पे लगा दिए। अभी इसके अंदर हम सिम कार्ड से इंटरनेट कैसे चलाएंगे दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, उसके लिए आपके पास होना चाहिए दोस्तों एक ऐसा डोंगल, 3G डोंगल, अनलॉक डोंगल चाहिए दोस्तों। अनलॉक डोंगल होगा तभी ये चलेगा। तो दोस्तों, ये अनलॉक डोंगल है मेरे पास, उसके अंदर मैंने डाल रखा है दोस्तों सिम कार्ड। देख सकते हैं दोस्तों, आपके घर पे कोई है या मोबाइल नहीं, कोई नहीं, आप सिम कार्ड लगा दो और छोड़ दो, आपके सेट टॉप बॉक्स में चलते रहेंगे आपके पेड वाले चैनल, सभी के सभी चैनल। और इस तरह से हम सेट टॉप बॉक्स में कुछ इस तरह से जो है दोस्तों सिम कार्ड लगाते हैं और 3G डोंगल में लगाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको इसको यहाँ पे लगा देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अभी सिंपल आपका सेट टॉप बॉक्स दोस्तों यहाँ पे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से यहाँ पे LED लाइट ब्लिंकिंग होती है, जैसे कि आपको दिखाता है दोस्तों, आप देखते रहे दोस्तों यहाँ पे एक LED लाइट ब्लिंकिंग होगी। LED लाइट जब जलने लगेगी दोस्तों, ये कभी कभी जो है दोस्तों कभी कभी मतलब हर टाइम में ऑटोली कनेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि आपको बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको ऑटोली कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, इसका कोई झंझट नहीं है। जैसे कि आप लगा देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से LED ब्लिंकिंग होगी। ब्लिंकिंग होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ब्लू कलर का लाइट दोस्तों जलने शुरू हो जाएगा, तो समझ लेना यहाँ पे हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो गया है। और कनेक्ट होने के बाद दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, कनेक्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर आप जैसे कि आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे ऑटोलिक चैनल हमारे शुरू हो जाएंगे। तो देखा दोस्तों यहाँ पे मेरा जो चैनल दोस्तों यहाँ पे ऑटोलिक स्टार्ट हो गए, यहाँ पे मैंने कुछ भी सेटिंग नहीं किया, आपके सामने था दोस्तों सब कुछ। और यहाँ पे मेरे जो चैनल दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट के जरिए यहाँ पे स्टार्ट हो गए। तो कुछ इस तरह से हमें जुगाड़ करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने जो वाईफाई के मतलब इसके जरिए यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। और अभी सेटिंग में आपको क्या करना है, सेटिंग में क्या करना है आपको दिखा देता हूँ मैं। तो सेटिंग में आपको आना है दोस्तों नेटवर्क सेटिंग में, नेटवर्क सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों 3G। तो दोस्तों 3G के ऊपर यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर रखा है, मतलब ये दोस्तों, और यहाँ पे कनेक्टर लिखा हुआ हमें मिल रहा है। तो ये कुछ इस तरह से जुगाड़ है दोस्तों। और यहाँ पे नीचे जो है दोस्तों मेरा सेटअप बॉक्स है दोस्तों कनेक्ट है, आप देख भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रही है, मतलब ब्लिंक मतलब जल रही है, ज़्यादा मतलब ब्लिंकिंग नहीं हो रही है। जब आपका हरा कलर का लाइट ब्लिंकिंग करने लगेगा दोस्तों, तब जाके आपका इंटरनेट मतलब कट ऑफ होता है। तो ये ऑटोली कनेक्ट होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा विजन 8007 था दोस्तों, उसी तरह ये सेटअप बॉक्स हमारा कुछ इस तरह से जुगाड़ करके आप आपके सेटअप बॉक्स में ऑटोली इंटरनेट कनेक्ट करके सिम कार्ड वाला जुगाड़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जो वीडियो दोस्तों आपको पसंद आएगी, तो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।